दोस्तों, मैं आपको एक बहुत पुरानी औषधि साफी के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह साफी हमदर्द कंपनी का यूनानी औषधि है जो 28 जड़ी बूटियों से तैयार होती है, जो आपके त्वचा को मुहासों से मुक्त रखती है तथा त्वचा में प्राकृतिक निखार लाती है, नक्सीर को रोकती है, कब्ज से छुटकारा दिलाती है तथा आपके चेहरे को छरहरा, स्मार्ट और सुंदर बनाने में मदद करती है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक रक्त शोधक औषधि है। दोस्तों, इसमें 28 घटक प्रमुख रूप से हैं, जिसमें कुछ घटकों के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, जो प्रमुख रूप से इसमें सेना, रेवंचीनी, नीम, चिरायता तथा तुलसी आदि हैं। तो पहले सेना के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह एक रेचक औषधि है। इसका छोटी आंत पर प्रभाव होता है, जिससे पुष्करण की प्रक्रिया बढ़ती है। इसके सेवन के 6 से 10 घंटे बाद शौच साफ होता है। इसमें कुछ मरोड़ सी होती है, जो संभवतः इसके पत्तों में राली द्रव्य के कारण या पत्तों में रहने वाले इमोडिन के कारण होती है। रेवंद चीनी, हीम एमओडी, यह तिक्त दीपन और ग्राही है। यह रक्त शोधक है, लीवर को ठीक रखता है। यह एक मृद विरेचक भी है तथा कब्ज से उत्पन्न अतिसार में भी इसे देते हैं। नीम, यह एक रक्त शोधक है तथा सभी प्रकार के चर्म रोगों में लाभदायक है। रक्त विकार से उत्पन्न व्रण, पामा, कंडू तथा कुष्ठ आदि में भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, नीम की छाल का चूर्ण मलेरिया के लिए भी बहुत लाभदायक। शोथयुक्त ज्वर एवं विषम ज्वर तथा ज्वर के बाद की दुर्बलता दूर करने के लिए इसका चूर्ण या काढ़ा उपयोग किया जाता है। इसके बाद नंबर आता है चिरायता का। यह भी रक्त शोधक है। इसके अलावा चिरायता दीपन, पाचन, तिक्त, पौष्टिक, ज्वरनाशक, दाह प्रशमन, पित्त विरेचक एवं कृमिनाशक है। इसके प्रयोग से भूख बढ़ती है, पैखाना साफ होता है तथा पुराने बुखार में लाभदायक होता है। इसका उपयोग स्वतंत्र या अन्य औषधि के साथ अधिक किया जाता है। हाँ दोस्तों, इसका एक घटक है तुलसी, जिसको अंग्रेजी में होली बेसल भी कहते हैं, क्योंकि यह बहुत पवित्र है पौधा। इसको लैटिन में ओशनम सेक्टम भी कहा जाता है। दोस्तों, तुलसी के पत्ता या उसका रस उष्ण रुक्ष कफ निसारक, शीतहर बात नाशक, स्वेद जनन, क्रीम नाशक, दुर्गंध नाशक तथा यह एक महान एंटीबायोटिक भी है। इसका उपयोग खांसी, श्वास, पार्श्वसूल, मलेरिया, यकृत वृद्धि, विष विकार एवं पाचन के विकारों में करते हैं। इसका विशेष प्रयोग इन व्याधियों में अनुपान के रूप में भी किया जाता है। हाँ तो दोस्तों, अब मैं इसके सेवन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसकी मात्रा 10 ml अर्थात 2 चाय चम्मच दिन में एक बार 200 ml ताज़ा पानी के साथ लें।